हाँ तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो आप लोग को देखने को मिलेगा और जानकारी मिलेगा कि आप अपने इंटरनेट डाटा को जो है कैसे मैनेज कर सकते हैं और कौन सा ऐप में पर डे जो है कितना इंटरनेट डाटा जो है MB खपत होता है, और आप इसको डाटा से जो है कैसे डाटा को कैसे बचा के रख देख सकते हैं। यहाँ पे जो आपको थंबनेल में देखने को मिला है दोस्तों, डाटा को मैनेज करना सीखिए, डाटा को बचाना सीखिए। डाटा को जो है पर डे तो हम डाटा यूज़ करते ही है, बट जो है डाटा को कुछ सेटिंग जो है ऑन नहीं करते हैं, और इस ऐप को जो है हम अपने फ़ोन में डाउनलोड करके नहीं रखते हैं, जिसके कारण से डाटा बहुत स्पीड से खपत होता है। इस ऐप को आप डाउनलोड करके रखिएगा और सेटिंग को ऑन करके रखिएगा, तो क्या होगा कि डाटा आपका स्लोली ख़त्म होगा, काम वही होगा बट डाटा आपका स्लोली ख़त्म होगा। और ऐप को इंटरनेट से ब्लॉक करना सीखिए, तो ये ऑप्शन को अगर आप ऑन कर देते हैं, ऐप को इंटरनेट से ब्लॉक करके अगर आप ऐप के थ्रू रख दीजिएगा, तो आपको विदाउट मर्जी का जो है मर्जी का कोई भी अदर आदमी आपके घर अदर आदमी या बच्चा कोई भी जो है इंटरनेट का जो है चला नहीं पाएगा, चाहे वो टिकटॉक हो, यूट्यूब हो, व्हाट्सअप हो, चाहे फेसबुक हो। इंटरनेट से उस ऐप को आप ब्लॉक करके रख दीजिएगा, तो क्या होगा कि जब वो ओपन करेगा तो डेटा चलेगा नहीं, तो फिर आप वहाँ पे आंसर दे सकते हो कि इंटरनेट डाटा MB जो है वो ख़त्म हो गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को जो है शुरू से अंत तक देखे, मैं हूँ मंजीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रैप ऑफ GGMG। तो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको वीडियो तो सबसे पहले प्ले स्टोर में दोस्तों जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद जो है यहाँ पे आपको सर्च मारना है डाटा सेवर पे क्लिक करना है। डाटा सेवर नाम इंस्टॉल देखिए, यहाँ पे सबसे ऊपर में ब्लू कलर का दिख रहा है डाटा सेवर एंड डाटा मैनेजर मैनेजर। तो दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो देखिए, मेरे मोबाइल में जो है पहले से इंस्टॉल है ये ऐप, इसलिए यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ रहा है। आप फटाक से जो है इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद जो है इस ऐप का देखिए रिव्यू वगैरह जो है इसमें रिव्यू दिखा रहा है क्या डाउनलोडिंग है और क्या रेटिंग है। तो दोस्तों, यहाँ से चलिए हम ऐप को जो है ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे जो है आपको साइन अप कर लेना है। मैं पहले से साइन अप कर लिया हूँ, ठीक ना, अपना ईमेल आईडी से साइन अप कर लेना है। उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए डेट टुडे का डाटा सेवर इज ऑन यहाँ पे मेरा दिखा रहा है। तो मोबाइल डाटा यूज टुडे मेरा जो है सुबह से 143 MB जो है अभी तक खप यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे इस ऑप्शन को जो है दोस्तों ऑन करके रखना है। यहाँ पे देखिए इस बटन को ऐसे कर दीजिएगा तो ये ऑफ हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए डाटा सेवर जो ऑफ हो जाएगा, ऑफ करने से ये ऐप आपका काम नहीं करेगा। तो इसको ऐसे राइट साइड में कर देना है, और राइट साइड में ऑन हो गया। ऑन होने के बाद जो है यहाँ पे चलते डाटा मैनेजर में क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे शो करेगा कौन सा ऐप जो है कितना MB खाया। देखिए मेरे गूगल क्रोम जो 53 MB खाया, पिक्सल लैब 23 MB खाया, यूट्यूब जो है 22 MB खाया, फेसबुक 12 MB खाया, टिकटॉक जो है 10 MB जो है, टोटल मिला के 145 MB जो है अभी तक हो चुका है। तो इस टाइप से जो है आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका नेटवर्क का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर जो है आप क्लिक करके जो है आप डाटा ब्लॉक कर सकते हैं। ब्लॉक देखिए, इसको थोड़ा देर प्रेस करके रखिएगा। प्रेस करने के बाद जो है आपका ये ब्लॉक हो गया इंटरनेट डाटा। ब्लॉक कर देने के बाद देखिए हम दो ऐप को जो है ब्लॉक करते हैं, यूट्यूब को और यहाँ पे चलिए टिकटॉक को ऐसे हम ब्लॉक कर दिए। अब चलिए इसको जो है चला के दिखाते हैं कि ये ब्लॉक कैसे हो गया। ब्लॉक कर दिए, ब्लॉक करने के बाद देखिए हम चलते हैं अपना जो है टिकटॉक में चलते हैं। टिकटॉक में ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो है आपका एक ही वीडियो चलेगा। इसके बाद जो है डाटा ब्लॉक रहेगा, तो आपका ना ये ऊपर तरफ जाएगा ना नीचे तरफ जाएगा, ये एक ही वीडियो चलेगा जो ऊपर में रहेगा। तो दोस्तों, इसके बाद चलिए हम आपको जो है YouTube का दिखा देते हैं कि YouTube में आप कैसे जो है इसको ब्लॉक करने के बाद YouTube का वीडियो भी देखिए हमें जो नहीं चलेगा। तो दोस्तों, ये देखिए फाइनली जो है ये ओपन हो रहा है, ये डाटा ब्लॉक किया हुआ है, इसलिए जो है ये गोल चक्र राउंडिंग घूम रहा है। यहाँ पे अगर डाटा ब्लॉक किया हुआ नहीं रहता तो अभी तक जो है मेरा YouTube जो है ओपन हो गया रहता। तो दोस्तों, इस टाइप से जो है आप किसी को जो है
बेकूफ़ बना सकते हैं, और बेकूफ़ बना सकते हैं कि डाटा जो है मेरा ख़त्म हो गया है, एम भी ख़त्म हो गया है, ताकि पबजी या घर में बच्चा जो है हमेशा मोबाइल लेके आप टेबल वगैरह में रख देते हैं और उसको मोबाइल को लेके बच्चा लोग जो पबजी और जो भी गेम खेलता है उस ऐप को जो है इंटरनेट से आप ब्लॉक करके रख सकते हैं। तो दोस्तों फिर ऐप की तरफ चलते हैं, ऐप का दूसरा जो है ऑप्शन जानते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे आपका दिखा रहा है डबल ट्रैकर पे आपको क्लिक करना है। डबल ट्रैकर का यूजेज क्या है कि आपका जो करंट यूजेज दिखाएगा, जो मान लीजिए आप यूट्यूब देख रहे हैं या हॉटस्टार देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं कोई, तो वहाँ राइट साइड कॉर्नर में जो है आपका शो करेगा कि आपका एमबी कितने, क्या एमबी जो है कितना एमबी आप यूज कर, कितना बचा हुआ है। देखिए यहाँ पे 2 MB जो है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, तो इसको जो है ऑन कर, देखिए यहाँ पे मेरा ये ऑप्शन जो ऑफ है, तो इसको ऑन कैसे करते हैं, तो यहाँ पे शो डबल पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे इनेबल पे क्लिक करना है। इनेबल पे क्लिक करने के बाद डाटा सेवर, देखिए यहाँ पे ऑल परमिशन, इसको यहाँ पे राइट साइड पर परमिशन दे देना है। परमिशन देने के बाद जो है ये आपका ऑन हो गया, देखिए डबल एज ऑन हो गया। ऑन होने के बाद बैक बटन पे जाना है। बैक बटन पे जाने के बाद फिर से जो है आपको ऑपन यूज करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे जो है पहले यूट्यूब को चलाने के लिए फिर से जो है हम चलिए मैनेज पे जाते हैं, और मैनेज में जाने के बाद देखिए हमने जो है यहाँ पे यूट्यूब भी, देखिए यहाँ पे इंटरनेट का ब्लॉक किया हुआ है, तो इसको प्रेस करके रखेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। और टिकटॉक को भी जो है हम चला के दिखा देते हैं, इसको जो है प्रेस करके थोड़ा देर रखेंगे तो ये ऑन हो गया। अब इसके बाद चलिए दोस्तों चलते हैं यहाँ पे जो है हम चलते हैं यूट्यूब में, चलिए पहले टिकटॉक का दिखा देते हैं। टिकटॉक में दोस्तों देखिए यहाँ पे ऑन, डाटा ऑन होने के बाद जो है आपका इस टाइप से यहाँ पे देखिए टिकटॉक 11 MB अभी तक जो है ये सुबह से यूज कर चुका है, इसलिए यहाँ पे राइट साइड में जो है आपका दिखा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है यहाँ पे जो टिकटॉक का वीडियो आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है टिकटॉक का वीडियो। देखने के बाद चलिए अब यूट्यूब का देखते हैं, यूट्यूब का जो है क्या, देखिए यूट्यूब का MB अभी तक देखिए यहाँ पे राइट साइड में दिखा रहा है मेरा जो, ये देखिए गोल जैसे चक्री घूम रहा है, ये देखिए यहाँ बीच में ला के छोड़ दिए, ये कॉर्नर हमेशा जो कॉर्नर में रहेगा। देखिए 23 MB जो है अभी तक यूट्यूब में यूज कर चुका है। तो दोस्तों ये आपको करंट लोकेशन, जो मान लीजिए हॉटस्ट को सीरियल वगैरह देख रहे हैं, तो सीरियल देखते देखते आपको यहाँ पे देखेगा कि अभी तक ये ऐप जो है कितना MB अभी तक मेरे सुबह से जो है यूज़ कर चुका है। तो दोस्तों इस टाइप से ऑप्शन का जो है आप फुल अपना डाटा को जो है मैनेज कर सकते हैं, इसलिए इसको डाटा मैनेजर का ऑप्शन भी दिया। हाँ तो दोस्तों इसके बाद जो है आप यहाँ पे डाटा लिमिट का ऑप्शन है, डाटा लिमिट का ऑप्शन को जो क्लिक करके यहाँ पे जो हम देख सकते हैं मंथली डाटा लिमिट और डेली डाटा लिमिट, इस पे जो डाटा लिमिट पे क्लिक करके इसको और सेटिंग करके सेट डाटा वार्निंग, यहाँ पे अगर मान लीजिए मंथली डाटा अगर मंथली में अगर आपको 200 MB मिलता है या तो फिर 150 GB मिलता है, सॉरी 200 GB मिलता है या 150 GB मिलता है, तो यहाँ पे डाटा को सेटिंग कर दीजिएगा कि 100 GB जब मंथली में होगा और वो तब जो है वो ख़त्म हो जाएगा, वो जो है रुक जाएगा, तो यहाँ पे आपको वार्निंग मिल जाएगा। इस टाइप से जो है आपका डाटा को अपना मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे डाटा 3 डॉट में जाके जो है देखिए डाटा मैनेजर, डबल ट्रैकर ऑप्शन, डाटा लिमिट, अबाउट रेटिंग और ऐप फैमिली, ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है आप अपने खुद से देख सकते हैं। तो दोस्तों इस ऐप को जो है आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके आप जो है अपना डाटा को मैनेज करने के साथ साथ जो है डाटा को बचा भी सकते हैं और किसी को बेवकूफ़ भी बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करके अपने दोस्तों को भी जो है इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।